टूमटूम हाई स्कूल की क्वीन को चुनने वाले हैं। बहुत सारी लड़कियां जीतना चाहती हैं, लेकिन कैरोलाइन से ज्यादा कोई नहीं चाहती होगी। वो स्कूल की सबसे अमीर लड़की है और उसने अपना नाम सबसे पहले लिखा है। ये मिया है, वो इतनी अमीर नहीं है और ना ही पॉपुलर है, लेकिन उसे पता है वो उसे हरा सकती है, इसलिए वो भी साइन कर रही है। पर अगर उसका पेन चल जाता तो उसे क्रिएटिव होना पड़ेगा। बढ़िया, कौन जीतेगा? जिम अपना लंच घर पर भूल गया। वो मिया को मदद के लिए बोलता है और वो इतनी अच्छी है कि जो थोड़ा सा खाना उसके पास है वो उसे भी शेयर करके खुश है। जिम ज्यादा देर तक उसका कर्जदार नहीं रह पाएगा, इसीलिए वो उसे वोट करेगा। कैरोलाइन इस बात से खुश नहीं है, उसको सबके वोट चाहिए, तो वो एक प्लान बनाती है। वो क्या करना चाहती है? वो फ्री बुफे ऑर्गेनाइज करके सबके वोट्स लेना चाहती है। मिया ये नहीं कर सकती। वो वोटर्स खो रही है। वोट लेने के लिए सिर्फ खाना ही एक रास्ता नहीं है। मिया अपने दोस्त को चीट शीट देकर उसको पेपर्स में पास करवाने में मदद करेगी। निक उसकी मदद को कभी नहीं भूलेगा। एक और पैसों के साथ, ये एक दिलचस्प आइडिया है। कैरोलाइन को इस बात की कोई परवाह नहीं, वो सबको रिश्वत दे रही है और निक ने रिश्वत ले ली। ये किसने भेजा है? एफ, ये टीचर होंगे। What? निक, तुम्हें पढ़ कर आना चाहिए था। कैरोलाइन की कैंपेन पूरे जोरों शोरों से चल रही है। जो भी मेरे लिए वोट करेगा उसे कैश मिलेगा। कैरोलाइन के पास कोई और आइडियाज नहीं थे, वो शायद ऐसा करके जीत जाए। मिया को अगर जीतना है तो उसे भी टक्कर का जवाब देना होगा। उसके पास आइडिया है, हमें जिंजर ब्रेड डो चाहिए होगा। रोल करें, शेप्स कट करें, 340 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक करें। कुकीज को ग्रीन आइसिंग से कलर करो। हो गया। मिया वोट्स खरीद नहीं सकती, लेकिन वो अपने होममेड कुकीज सबको खिला सकती है। ये काम कर गया, कुकीज बहुत स्वादिष्ट है। कैरोलाइन सारे कुकीज खरीदना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, सिर्फ क्रम्स ही बचे हैं। तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। कैरोलाइन के पास पूरे कैंपस का सबसे हाई टेक लॉकर है और सिर्फ वही उसे खोल सकती है, और ये सही भी है क्योंकि उसका लॉकर बहुत खास है। अगर वो घर पर कुछ भूल जाती है तो वो अपने गार्ड को बोल देती है। लॉकर के अंदर एक टनल है जो उसके मेंशन की तरफ जाती है। इस सिस्टम की वजह से कैरोलाइन को अब अपने साथ सामान लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गार्ड उसे कुछ भी लाकर दे सकती है जो उसे चाहिए, और उसके पैसे ले सकती है। दरवाजा मत खटखटाओ, क्योंकि सिर्फ एक इंसान ही इसे खोल सकता है, और वो है कैरोलाइन। गार्ड को वापस टैक्सी लेनी पड़ेगी। और यही, मिया का लॉकर इतना खास नहीं है और उसके पास इतना कुछ छुपाने के लिए नहीं है। कम से कम उसके लॉकर में टच आईडी तो है, खोलने के लिए बस उसे इस्तेमाल करो। लेकिन इस सिस्टम में कुछ नुकसान भी है, जैसे ये दरवाजा कभी कभी बंद नहीं होता। लेकिन मिया एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकती है। असल में वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उसने ये सोचा नहीं था। टीचर्स भी वोट करेंगे। मिया के पास अभी भी मिस्टर माइक की मदद करने का मौका है। दो शेड्स के फोम पेपर लो, सर्कल और एक काटो, उसे चिपका दो, उसे एक रिंग ब्लैंक के साथ अच्छे से जोड़ दो। रिंग बहुत काम आ सकती है। मिया मिस्टर माइक को ये देने के लिए तैयार है। उन्हें पसंद आई।
ये बहुत अच्छा गिफ्ट था मिया। थैंक्स। कैरोलाइन अभी भी तैयार हो रही है, उसको लगता है स्कूल की क्वीन दूसरों के इंस्पिरेशन होनी चाहिए। Thanks. तो इसीलिए वो एक पूरा फोटो शूट कराती है ताकि वो जीतने के बाद पूरे स्कूल में अपनी फोटो लगा सके। लेकिन उसके पपी चीक्स उसका प्लान खराब कर रहे हैं। ये सब उसके विजडम टूथ की वजह से हुआ है। खुशकिस्मती से कैरोलाइन का दांत आसानी से निकल गया। नो नो ओह माय गॉड, ये दांत बहुत बड़ा है। टूथ फेरी की ब्लैक मार्केट में इस दांत की बहुत कीमत होगी। आपको क्या लगता है डेंटिस्ट आपके दांतों के साथ क्या करते हैं? हाँ, वो टूथ फेरीज को बेच देते हैं। वाओ! मिया को भी अपनी पिक्चर्स खिंचवानी है, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि फोटोग्राफर फ्री में काम नहीं करेगा। नो। मिया को कुछ सोचना होगा। वो आर्ट क्लास जाने का सोचती है। एक पेंटिंग फोटो से ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो थोड़ा पुराना है, लेकिन कम से कम वो फ्री तो है। सारी आर्ट अच्छी नहीं होती, लेकिन एक ड्राइंग ने मिया को आइडिया दिया। इसे इयररिंग्स चाहिए। प्लास्टिक की एक शीट लो, स्क्वायर काटो, राइनस्टोन की स्ट्रिंग लो, यूवी पॉलिश लगाओ, राइनस्टोन्स को लाइन में लगाओ, उसे यूवी लैंप में बेक करो, दूसरी तरफ लॉक चिपकाओ। इयररिंग्स तैयार है। ये इयररिंग्स पहनकर मिया और कमाल की लग रही है। तुम बहुत सुंदर हो। चलो अपने कंटेस्टेंट से मिलते हैं। पहले मिया की बारी। उसने अपने क्लासमेट्स के लिए होमवर्क किया है। स्टैंडिंग ओवेशन। टीचर इतने खुश नहीं हुए। मिया की प्रेजेंटेशन कमाल की थी। वो कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। लेकिन कैरोलाइन के बारे में मत भूलो। उसने सारी प्रेजेंटेशन पैसों के बारे में करी। जाहिर है वो अच्छी गई। जब स्क्रीन से पैसे बाहर उड़े तो वो प्रेजेंटेशन का एक शानदार पार्ट था। वाह, ये दिलचस्प है। मिया का एक पसंदीदा मिरर भी है, वो उसका लकी चार्म है। जब भी वो उसे अपने बैग पर लगाती है तभी सब उसकी तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन इस बार उसे पता चला कि वो मिरर था जो ध्यान अपनी तरफ कर रहा था। उससे कोई भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था। ये लोग खुद को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। मिया को बस अभी पता चला कि उसने एक नार्सिसिस्ट मैग्नेट बना दिया है। वर्कआउट करना आपके लिए अच्छा है, लेकिन पसीना आना आम बात है। थकावट भरे वर्कआउट के बाद एक अच्छा शावर लेना सबसे बढ़िया चीज है। कैरोलाइन के मामले में जाहिर है शावर कुछ खास होगा। वो पैसों के पानी से नहाती है, यही उसका सीक्रेट है। ऐसा करने के बाद सब उसी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उसके बालों में से पैसों की बारिश हो रही है। और अगर मिया की बात करें तो उसकी खुशकिस्मती होगी अगर उसे वर्कआउट के बाद नहाने के लिए पानी मिल जाए। बदकिस्मती से उसे बहुत बड़ा पिंपल हो जाता है। उम्मीद है शार उसकी मदद करेगा। एओ, ये क्या है? पानी गंदा है। रुको, शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा हो। ये अच्छा है, अब वो कॉन्टेस्ट में अच्छी दिखेगी। अब हम पता लगाएंगे कि टाइटल कौन जीता है। वोट से लग रहा है कि ज्यादा लोगों ने कैरोलाइन के लिए वोट किया है। रुको, किसी और ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए वोट किया है। कैरोलाइन ने चीटिंग करी है, उसने वोट खरीद लिए। लेकिन बैलेट बॉक्स में एक और नाम है। स्कूल की क्वीन मिया है।
क्राउन के पीछे मिया और कैरोलाइन की लड़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था? कमेंट्स में बताओ और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ट्रूम ट्रूम की नई वीडियो मिस ना कर सके।